नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं जालौर सिरोही लोकसभा सीट से एक बार फिर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और इसके बाद अब सचिन पायलट से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया कि वह वैभव का चुनाव प्रचार करेंगे क्या, तो उस पर उनका जवाब सुनकर सब लोग हैरान रह गए। आपको बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सिरोही जालौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसको लेकर सचिन पायलट ने अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि वो क्या वैभव गहलोत का साथ चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम चुनाव करने क्यों नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी ताकत के साथ वैभव गहलोत के साथ खड़े हैं और चुनाव प्रचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके प्रचार के लिए वह अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और जनसंपर्क में लग जाएंगे। वहीं पायलट के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासी हलचल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, पायलट और गहलोत दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार को लेकर पायलट के दिए इस बयान के बाद सियासत भी हैरान है। वहीं सियासी गलियारों में इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, पायलट ने कहा कि पूरी ताकत के साथ वैभव के चुनाव का प्रचार करूंगा। वैसे में जब इन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी तो सब लोग हैरान रह गए। जब उनसे पूछा गया कि वैभव गहलोत जालौर सिरोही लोकसभा चुनाव सीट से लड़ रहे हैं, तो क्या वह उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो इस पर पायलट ने जवाब तो दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को मोड़ किया, ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि उनके जो रिश्ते तो पहले से खराब थे, अब वो सही होते हुए कैसे नजर आ रहे, तो अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं वैभव गहलोत के लिए 100% कैंपेन करूंगा और पूरी ताकत के साथ करूंगा, वह मेरी पार्टी के उम्मीदवार है। सचिन पायलट के वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार को लेकर दिए गए बयान को लेकर बहुत सारी अटकलें अब लगाई जाने लगी है। वहीं वैभव गहलोत के चुनाव पर बात करें तो पॉजिटिव उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब वैभव ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था, तब मैंने खुद ही उनका नामांकन भरवाया था। मैंने पूरी ताकत के साथ उनके लिए दिल्ली में पैरवी भी की थी और इसके अलावा मैंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्हें पार्टी का महासचिव भी बनाया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे वैभव गहलोत के साथ उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वह मुझसे केवल 1-1.5 साल ही छोटे हैं। मेरे किसी से कभी रिश्ते खराब नहीं रहे। पायलट से जब वैभव गहलोत के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल कहा गया, पूछा गया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे किसी से रिश्ता खराब नहीं है, हाँ वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है और वो सबके साथ होता रहता है। उन्होंने कहा कि काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेरे रिश्ते किसी से खराब नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी मैंने किसी के सम्मान में उनकी अवहेलना नहीं की और ना मैंने कभी किसी के लिए कड़वे वचन बोले हैं, क्योंकि मेरा आचरण और मेरे संस्कारों में ऐसी चीजें नहीं है। मैं अपनी चीजों को लेकर बहुत प्रतिबद्ध हूं। जिस तरीके से अब सचिन पायलट कहीं ना कहीं वैभव गहलोत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं अब ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अशोक गहलोत के साथ भी सचिन पायलट के अब रिश्ते ठीक है उनके बेटे की वजह से, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से वो इंटरव्यू में अपनी बातें रखते हुए नजर आए, ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के रिश्ते एक बार फिर से सुधर सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।